पंजाबी रैपर हनी सिंह को गानों में अक्सर ही अपने नशे की लत की बातों का जिक्र करते सुना होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि वो खुद भी नशे की लत के शिकार हैं। बताया गया है कि हनी सिंह अपनी शराब की आदत से बेहद परेशान थे और वह इस आदत को छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक रिहैब सेंटर अपनाने का फैसला किया। वे पिछले 3 महीने से रिहैब सेंटर में रह रहे थे, अब वे रिहैब सेंटर से बाहर आ गए हैं। दरअसल हनी सिंह जब विदेश में थे तो वहां उन्हें शो में परफॉर्म करने के लिए लगातार कॉल आ रहे थे। हनी सिंह कॉल से काफी परेशान आ गए। उन्होंने गुस्से में आकर अपने सिर पर ही बोतल दे मारी। उनके सिर से काफी ब्लीडिंग होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में अपने गुस्से और बुरी आदतों पर कंट्रोल करने के लिए हनी सिंह रिहैब सेंटर चले गए थे। अब हनी सिंह एक बार फिर से रैप की धूम मचाने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।